राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाने वाले छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र संघ चुनाव में राजनीतिक दलों की बैठ न सिर्फ छात्र संघ के भविष्य के लिए खतरा बन रही है, बल्कि इससे छात्र राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है। छात्र संघ चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा के रूप में देखने वाले राजनीतिक दल भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन उनके द्वारा अपने समर्थित प्रत्याशियों को पूरा बैकअप दिया जा रहा है। छात्र राजनीतिक पार्टियों के दखल को वैसे बेसिकली बहुत सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि छात्र का जो विचार है वह विचार राष्ट्र का विचार होना चाहिए। मगर जब राजनीतिक दल उसमें दखल देते हैं तो राजनीतिक दलों का विचार उस छात्र के विचार में आ जाता है, और इससे कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी खराब होता है, छात्र का भविष्य। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा क्या विचार है, मैं इसको बहुत उचित नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये छात्र राजनीति है और उसको छात्र तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर बाहर वाले आते हैं तो उससे छात्र राजनीति भी प्रभावित होती है। जिसमें हम 2003-04 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य करा, 2001-02 में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करा, लेकिन तब की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। क्योंकि अब जो है नया जो मास निकल के आ रहा है, एक तो लिंगदो जो समिति है, लिंगदो समिति की के जो नियम है उसके अनुसार जो है छात्र को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार का दबाव हम पर बनाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन का दबाव हम पर बनाया जा रहा है, सभी लोग एबीवीपी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज के टीचर्स एक बड़ा ग्रुप जो कि एबीवीपी को सपोर्ट करता है वो लोग पूरे एबीवीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हर जगह से हमें दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन छात्र समुदाय जो अपनी शक्ति दिखा रहा है, 24 तारीख को इनका करारा जवाब जीत के माध्यम से इन्हें देगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा ही नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% हम चुनाव